दोस्तों चीन का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारे भारत का अग्निफाई मिसाइल का होना नहीं। दरअसल दोस्तों 15 दिसंबर को रात के वक्त हमारे भारत ने अग्निफाई मिसाइल का सफलता पूर्व परीक्षण किया था, और जब यह मिसाइल अपनी टेस्टिंग के दौरान म्यांमार के पास से गुजर रहा था तब कुछ समय के लिए म्यांमार के लोगों में हड़कंप मच गया था कि उनकी धरती में UFO आ गया है। फिर उन्हें बाद में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ कि यह तो भारत का अग्निफाई मिसाइल था। तो दोस्तों अगर हम समझेंगे इस एडवांस नए वर्जन वाले अग्निफाई मिसाइल के बारे में, दोस्तों अब इस मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो गई है, जो कि जो इससे पहले वाला वर्जन था उसकी 5000 किलोमीटर की रेंज थी। और दोस्तों इस मिसाइल की रेंज का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले वाले वर्जन के मुकाबले इसमें 20% वजन को घटाया गया है, और इसके पहले वाले वर्जन के मिसाइल में स्टील के मटेरियल का यूज किया गया था, पर इस वाले मिसाइल में कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत और लाइट वेट है। और दोस्तों ये जो मैप में आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया तक हमारी मिसाइल आराम से हिट कर सकती है, जिसमें से चीन के एक एक कोने को हिट कर सकती है। और इस मिसाइल की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसको सबमरीन के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकता है, और यह एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हिट कर सकती है। दोस्तों जब इसका टेस्ट किया गया था तो बताया जा रहा है बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसने अपने टारगेट को हिट किया था। दोस्तों आपकी क्या राय है इस मिसाइल के बारे में कमेंट सेक्शन में